लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत। बीजेपी एमएलए गणेश नाइक ने आज एनएमएमसी आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाने और ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस से बचाव के जरूरी जागरूकता फैलाने और तत्संबंधी इंतजाम करने का सुझाव दिया। पूर्व मंत्री ने कोविड मैनेजमेंट के लिए अपनी पुरानी मांग को याद दिलाते हुए सिडको से 25 करोड़ की सहायता निधि हासिल करने और मनपा के स्वामित्व वाली जगह पर ही ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर जोर दिया। उन्होंने मानसून से पहले नालों की सफाई और जल निकासी सुनिश्चित करने के साथ ही आपदा के दौरान मदद के लिए मशीनरी तैयार करने की भी मांग की। उन्होंने मानसून के दौरान होने वाले संक्रामक रोगों के मद्देनजर आरोग्य सुविधाओं को मजबूत करने का आह्वान किया। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने आज तमाम पदाधिकारियों के साथ मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की और अपनी विविध मांगों और सुझावों पर क्या कार्यवाही हुई इसका जवाब मांगा। उनके साथ पूर्व सांसद संजीव नाइक, पूर्व विधायक संदीप नाइक, पूर्व मेयर सागर नाइक, वरिष्ठ नेता दशरथ भगत और आनंद सुतार समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। कोरोना से निपटने के लिए मनपा को 1 करोड़ की सहायता निधि देने वाले गणेश नाइक ने आयुक्त से कोविड वैक्सीन उत्पादक कंपनियों से सीधे संपर्क करने की अपील की ताकि जब केंद्र सरकार की परमिशन मिले तब नवीनबईकरों के लिए वैक्सीन खरीदने में आसानी हो। उन्होंने आयुक्त को सुझाव दिया कि मनपा की संपत्तियों में ही ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएं ताकि जब उसे निकालने या शिफ्ट करने की जरूरत पड़े तब बर्बादी न होने पाए। चर्चा के दौरान गणेश नाइक ने कोरोना की तीसरी संभावित लहर से बचाने सभी जरूरी इंतजाम करने पर जोर दिया। उन्होंने मानसून से पहले गटर नालों की सफाई, जल निकासी की व्यवस्था और आपदा के दौरान नागरिकों की मदद के लिए मशीनरी तैयार रखने की अपील की। मी आज माननीय आयुक्त बागे साहेबांना सांगितले की तुम्ही नजर ठेवा, ज्या दिवशी केंद्र सरकार महानगरपालिकेने खरेदी करावी अशा प्रकारची भूमिका, त्या दिवशी आपला शेक तिथे गेला पाहिजे आणि त्या पद्धतीने त्यांनी अलर्ट राहण्याचं निश्चित केलेलं आहे। ऑक्सिजन करता आमदार फंडामधून मी 1 कोटी रुपये दिले, पण मी त्याला एक सांगितलं की ज्या ठिकाणी आपली वास्तू आहे त्या ठिकाणीच तो प्लांट उभारा, कुठल्या खाजगी धर्मदाय संस्थांच्याकडे आपण कोविड सेंटर काढलेले आहेत किंवा सिडकोच्या जागांमध्ये काढलेले आहेत, उद्याला जर त्या जागा जर रिकाम्या करायच्या असतील तर त्या ठिकाणी आपला ऑक्सिजनचा प्लांट उभारण्यामध्ये काही हासिल नाही, किंवा उभारलाय त्या ठिकाणी ती जागा आपल्याला मिळण्याकरता प्रयत्न करा। लोकनेता गणेश नाईक ने इस दौरान शैक्षणिक और आरोग्य सेवाओं को प्राथमिकता देने की मांग की। उन्होंने मनपा के बजट में आरोग्य सेवा को नंबर 1 और शिक्षण सेवा को नंबर 2 के तौर पर प्रमुखता देते हुए सभी जरूरी इंतजाम करने पर बल दिया ताकि नए सत्र से बच्चों की पढ़ाई सुचारू ढंग से आगे बढ़ सके। बीजेपी नेता ने पुरानी मांगों को दोहराते हुए ऑक्सीजन और सादे बेड बढ़ाने, कोरोना वैक्सीनेशन को पूरा करने और ऑक्सीजन प्लांट जैसी सुविधाओं को स्थापित करने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने तमाम मुद्दों के समाधान पर चर्चा की जो बारिश के दौरान लोगों के लिए नई मुसीबत बन सकते हैं। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। महानगर पालिकेच्या बजेट मधला खर्च आरोग्याला पहिला प्राधान्य, दुसरं प्राधान्य शिक्षणाला द्यावा अशा प्रकारची भूमिका मी मांडलेली आहे आणि म्हटलं या महिन्यामध्ये तुम्ही संपूर्ण रचना करा आणि चालू वर्षापासून, शैक्षणिक वर्षापासून विद्यार्थ्यांना तशा प्रकारचं ज्ञान तुम्ही द्या। मागच्या वेळेला मी सांगितलं की साध्या बेड दुप्पट करा, ऑक्सिजनच्या बेड दुप्पट करा, व्हेंटिलेटर दुप्पट करा, ऑक्सिजनचे प्लांट उभारा। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही 1 इंडिया।